कानपुर रेल हादसे के मास्टरमाइंड शमसुल होदा को भारतीय खुफिया एजेंसी ने नेपाल की राजधानी काठमांडू से गिरफ्तार किया है। आरोपी शमसुल होदा ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर दुबई में बैठकर भारत की ट्रेनों को निशाना बनाने की साजिश रची थी। शमसुल को भारतीय खुफिया एजेंसियों के दबाव में दुबई से नेपाल में डिपोर्ट किया गया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ आईबीएनआईए की टीमें कई दिनों से नेपाल में मौजूद थी। बता दें, भारतीय एजेंसी को कानपुर रेल हादसे में साजिश के अहम सबूत मिले थे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। आईएसआई एजेंट शमसुल होदा से आंध्र प्रदेश के कुनेरू के रेल हादसे और बिहार के घोड़ा सहन में रेलवे पटरी पर बरामद हुआ आईईडी के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि बिहार पुलिस की जांच में 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया था कि उन्हें नेपाल के एक शख्स ब्रजेश गिरी से 3 लाख रुपए मिले थे, जिसके बाद नेपाल पुलिस ने ब्रजेश गिरी को गिरफ्तार किया था। बता दें कि पिछले साल 20 नवंबर को कानपुर के पास इंदौर पटना एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी। इस रेल हादसे में लगभग 150 लोगों की मौत हो गई थी।